कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाने के लिए अब कोटा में ही सैनिटाइजर का प्रोडक्शन शुरू होगा। कोटा में प्रोडक्शन होने के बाद हैंड सैनिटाइजर राजस्थान के लोगों को कोरोना वायरस घातक संक्रमण में बचाएगा। कोटा में एक दिन में 15,000 लीटर हैंड सैनिटाइजर का प्रोडक्शन होने का अनुमान है। कोटा में हैंड सैनिटाइजर बनाने की सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद रानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर लिमिटेड में हैंड सैनिटाइजर प्रोडक्शन के लिए सहायक औषधि नियंत्रक नरेंद्र कुमार रैगर एवं औषधि नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर संदीप कुमार के द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देश पालना करते हुए कारखाने का निरीक्षण किया गया। वहां मौजूद मशीनरी देखी गई और इन अधिकारियों ने कहा है कि जल्द ही इस कारखाने में हैंड सैनिटाइजर का प्रोडक्शन शुरू होगा। अधिकारियों ने कहा है कि कोटा जिले में हैंड सैनिटाइजर की आपूर्ति शुरू हो सकेगी ताकि प्रदेश के अन्य इलाकों में भी यहां से प्रोडक्शन होने के बाद सैनिटाइजर को भेजा जाएगा। राजस्थान से प्राप्त दिशा निर्देशों की अनुपालना में कोटा जिले में रानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित खरुण मेसर जो राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स का निरीक्षण आज मेरे एवं डॉक्टर संदीप केले औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया गया। यह निरीक्षण फर्म द्वारा विभाग में प्रस्तुत आवेदन जिसमें कि फर्म द्वारा सैनिटाइजर हैंड सैनिटाइजर का निर्माण किया जाएगा उसकी पालना में किया गया। ओके, पर हमने सारी मशीनरी को चेक किया गया और उनकी जो लागत बताई गई लगभग 15,000 लीटर पर डे मार्केट में सैनिटाइजर आएगा। हमने जो मशीनरी है आरओ प्लांट फिलिंग मशीन और इत्यादि मशीन को चेक किया गया जो कि मौके पर सही पाई गई और जल्द ही मार्केट में सैनिटाइजर उपलब्ध होगा।